कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के बीच भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के कंफर्म मामले बढ़कर 125 तक पहुंच चुके हैं। इन मरीजों में 103 भारतीय हैं, जबकि 22 विदेशी नागरिक हैं। भारत में इस संक्रमण से अब तक 13 लोग उबर चुके हैं। वहीं इस संक्रमण से अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कड़ा रुख अपनाते हुए कोरोना टेस्ट करने से इनकार करने पर जेल जाने का प्रावधान लगाया है। कोरोना टेस्ट से इनकार, खाओ जेल की हवा। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह के अनुसार उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के मद्देनजर महामारी कानून के तहत सभी जरूरी कदम उठाने की सख्ती दी गई है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति कोरोना वायरस का टेस्ट कराने से इनकार करता है या प्रशासन से भागता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर जेल भी भेजा जाएगा। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख टेड्रोस गेब्रियसस ने कहा कि टेस्ट के बिना कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों को आइसोलेट करना संभव नहीं और इसके बिना संक्रमण की चेन भी नहीं टूटेगी। सभी देशों से उन्होंने कोरोना वायरस टेस्ट करवाने की अपील की है। साथ ही सभी कंपनियों से टेस्ट के लिए जरूरी उपकरणों का उत्पादन बढ़ाने को भी कहा है। अब फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। देखने के लिए बने रहे MNS News Live के साथ। धन्यवाद।